अजमेर में हुआ कोरोना ब्लास्ट, 110 से अधिक पॉजिटिव मामले आए सामने। अजमेर में लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ ही आज कोरोना ब्लास्ट हुआ है, जहां एक साथ 110 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मामलों की जानकारी देते हुए JLN कोविड 19 प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि आज खबर लिखे जाने तक 110 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे कई पॉजिटिव मामले अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों से सामने आए हैं। वहीं इसी के साथ ही अजमेर जिले के आसपास से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि नए आदेशों की पालना करते हुए सीरियस मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और नॉन सीरियस मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं आज अधिक पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आ चुका है। पॉजिटिव मामले सामने आए हैं सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आज ब्लास्ट हुआ है वापस से एक बार। हाँ देखिए, ब्लास्ट जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं थोड़ा गलत है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ सैंपल बढ़ाए हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे जितने हम सैंपल ज़्यादा करेंगे, हम कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा ढूंढ पाएंगे। और एक तरीके से अच्छा भी है, अगर हम सैंपल ज़्यादा कर रहे हैं, कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट ढूंढ रहे हैं, उनको आइसोलेट कर रहे हैं, चाहे होम आइसोलेट कर रहे हैं, चाहे कोविड केयर में भेज रहे हैं, चाहे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, एटलीस्ट हम कोरोना की चेन को ब्रेक करने में सक्षम हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। तो इसलिए इस नंबर को लेकर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ एकलाती बात ध्यान रखने की है कि जो भी आदमी सिम्टोमेटिक है वो आगे बढ़ के आए। क्योंकि गवर्नमेंट का भी मोटो यही है कि स्वयं बताएं, आगे आएं, जांच कराएं। गवर्नमेंट भी चाहती है, राज्य सरकार भी यही चाहती है कि आप आगे बढ़ के जाँच कराएँ और अपनी बीमारी को छुपाएँ नहीं और डरें नहीं। सीधी सी बात यह है, हमारा आप तक का अच्छा इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि हमारे सारे पेशेंट लगभग ठीक होकर गए हैं, बहुत कम लोगों को नुकसान हुआ है। इसलिए इस बात को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि ब्लास्ट हुआ है, मेरे को लगता नहीं ठीक चीज़ है। ये ज़रूर है कि कुछ जो लोग हमारे जो डायबिटिक हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा है। वो उन लोगों को और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन लोगों को ध्यान उनको और उनके उनके परिवार वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जिनके घर में परिवार में उम्रदराज लोग हैं, डायबिटिक हैं और कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, उनको उन लोगों को अपने बुज़ुर्गों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। क्योंकि अब जवान लोग घर से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं अपने काम धंधे के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, तो उनको अपने बुज़ुर्गों से, अपने ऐसे घर वालों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। मास्क हमेशा यूज़ करना चाहिए, ऐसे लोगों के विशेष रूप से दोनों लोगों को मास्क यूज़ करना चाहिए, बुज़ुर्गों को भी और जो जवान लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनको भी। आज कितने पॉजिटिव हैं और कहाँ कहाँ से आए? अभी तक की जो जानकारी है, करीब करीब 110 से भी अधिक लोग पॉजिटिव आ चुके हैं अजमेर शहर और आसपास के लोगों के, आज इस लोगों के और उस शहर के लगभग सभी स्थानों से हैं। कारण ये है कि शहर की लगभग सभी डिस्पेंसरियों में टेस्टिंग शुरू हो गई है, हर डिस्पेंसरी में टेस्टिंग हो रही है, हर डिस्पेंसरी से पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं। तो लेकिन फिर वही बात कि ऐसी कोई खतरे वाली बात मुझे इस मामले में कि उनको लोगों को नुकसान हो सकता है नहीं लगता। ये अच्छा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनको वहीं के वहीं ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है एक तरीके से। सर अब टोटल कितने हो गए हैं JLN? टोटल संख्या अभी इस वक्त जो हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट जो भर्ती हैं JLN में, 29 पेशेंट भर्ती हैं। और अनफॉर्चुनेटली 29 में से हमारे करीब करीब 22 पेशेंट हम इनको सीरियस वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें सबको किसी न किसी को ऑक्सीजन चल रही है, किसी को बाईपैप पे रखा हुआ है, दो पेशेंट वेंटिलेटर पे भी हैं, तो ये सीरियस हैं। बाकी के जो पेशेंट हैं हमारे ठीक हैं।